माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज राख बुधवार, हमारे 40 काल का शुरुआत। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रभु ईसा मसीह को शरीर और रक्त के रूप में स्वीकार किया और साथ ही साथ पुरोहित को द्वारा हमारे माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह लगाते हुए कहा, मनुष्य तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाएगा। हम मनुष्य क्या है? केवल मिट्टी है। कभी भी हम वापस मिट्टी बन सकता है। इसको आज पवित्र मिस्सा बलिदान के समय पर पुरोहित के द्वारा हमें याद दिलाया गया। इसलिए हमें लौट करके आने का समय है ये 40 काल। कल किस प्रकार 40 काल मनाना है, इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज का इस क्लास के अंदर पवित्र बाइबल के अनुसार ये 40 संख्या का क्या महत्व है, इस पर हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। आजकल जितने भी क्लास लिया जाएगा, हमारे जीवन को बदलने वाला होना चाहिए। जो भी वचन आप सुनेंगे, आपके मन में होना चाहिए, मैं इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में क्या परिवर्तन करना है और परिवर्तन करने का निर्णय करना है। हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 4:1 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, ईसा मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यर्दन तट से लौटे। ईसा मसीह के ऊपर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतराया था बपतिस्मा के समय पर। इस प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के ईसा मसीह उस यर्दन के तट से लौटे और उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश लेकर के गया, जहां वह 40 दिन और रात रहा था। वहां पर हम लोग देख सकते हैं 3 प्रकार के परीक्षा शैतान उनके सामने लेके आए। 3 प्रकार की परीक्षा, 3 परीक्षा नहीं है ये, 3 प्रकार की परीक्षा है। शारीरिक की जरूरतों के लिए परीक्षा, आत्मिक जरूरतों की परीक्षा है, और हमारा जो विश्वास की परीक्षा, जो मानसिक, जो मन की, जो सोच विचार, इसकी परीक्षा यहां पर हुआ। इसका मतलब शारीरिक जरूरतों के लिए कई परीक्षाएं संसार में होता है, और आत्मिक जो रीति से ईश्वरीयता में रहने का, उसका कई चैलेंजेस हमारे जीवन में हो सकता है। और तीसरा है मानसिक रूप से विश्वास की दृष्टि से जो कई परीक्षाएं हमारे जीवन में हो सकता है। इस प्रकार का 3 परीक्षाओं का कैसे ईसा मसीह सफल बना, वो है उपवास एवं प्रार्थना के द्वारा। जो भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं, उस पर हमारी सफलता हमारी उपवास एवं प्रार्थना में है। इसका मतलब इन व्रत
देखने वाले इन दिनों में, चालीसा काल के इस दिन में, लेंड के इस दिनों में, हम लोगों को उपवास एवं प्रार्थना के द्वारा शैतान का या इन परीक्षाओं का सामना करना है। इसराइली लोगों का मरुभूमि जीवन में इसी तीन प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा वे लोग ईश्वर के विरुद्ध चला गया था, पाप में गिर गया था। ईसा मसीह के जीवन में भी उन्हीं तीन परीक्षाओं से शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं। और वाक्य 14 बहुत ही सुंदर सा लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है, इन तीन परीक्षाओं के बाद, 40 दिन के उपवास एवं प्रार्थना के बाद, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे। हम लोग देखा है वाक्य 1 के अंदर आत्मा के परिपूर्णता था, वहां पर आत्मा के एक अभिषेक था वहां पर, लेकिन आत्मा का एक सामर्थ्य शक्ति उसमें ईसा मसीह में कैसे आए? इन्हें परीक्षाओं का जब सामना किया, हर एक मनुष्य के जीवन में इन तीन प्रकार की परीक्षाएं आते हैं, जब हम उन परीक्षाओं का सामना करेंगे तब हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरते हैं। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं होना जरूरी है। हो सकता है पाप करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, गुस्सा करने का, व्यभिचार करने का, नशा करने का, ऐसे अनेकों अवसर आएगा, प्रार्थना ना करने का, चर्च ना जाने का, इतवार को भी कहीं और काम करने का, इस प्रकार का अनेकों अवसर हमारे जीवन में आएगा। क्या हम उन परीक्षाओं में कैसे खरे उतरेंगे, उसमें गिरेंगे या उसमें विजय प्राप्त करेंगे? जो लोग विजयी होता है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए हमें परीक्षाएं हमारे जीवन में आएगा। तो इन परीक्षाओं का सामना करने का एक अच्छा मौका है इन 40 काल, पाप से, नशे से, लड़ाई झगड़ा से सब दूर रहकर प्रार्थना, भक्ति, मिस्सा बलिदान, क्रूस रास्ता, रोसरी माला आदि के द्वारा हम पवित्र आत्मा का उस सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे। हम लोग देख सकता है सामुएल के ग्रंथ के अंदर गोलियात एवं डेविड के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर उस गोलियात, फिलिस्ती गोलियात क्या करते थे? सुबह और शाम इसराइलियों के सामने आकर के उन्हें लड़कारता था, तुम्हें हिम्मत है तो मेरे से आकर के लड़ो। कितने दिनों तक? वहां पर हमें मिलेगा 40 दिनों तक गोलियात सुबह और शाम इसराइलियों को ललकारता था, लड़ने के लिए बुलाता था। हां जरूर इसराइली लोग डर के मारे जाकर के तंबू में बैठता था। हमारे जीवन में इस प्रकार ललकारने वाले, पाप के लिए निमंत्रण देने वाले, नशा करवाने वाले, व्यभिचार कराने वाले, चोरी कराने वाले, ऐसे अनेकों मौका शैतान लेकर के आएगा। यहां पर हम लोग देखते हैं 40 दिन के बाद ईश्वर दाऊद में प्रेरणा देता है। दाऊद इसराइल के ईश्वर का नाम लेकर के इस शैतान को, इस गोलियात को मार गिराया। तो हमें भी हमारे सामने आने वाले ऐसे पहाड़ों को, ऐसे गोलियातों को मार गिराने का समय है ये 40 काल। तो हमें निर्णय करना है। तो 40 का भी कुछ महत्व है। बाइबल में कहीं भी 40 संख्या है उसका कुछ महत्व है। हमें मालूम है 40 एक पीढ़ी के लिए, 40 वर्ष का मतलब हो गया एक पीढ़ी, 40 वर्ष एक पीढ़ी जो है, एक जनरेशन जिसको बोले, वो 40 ईयर्स का होता है। इसका मतलब एक पीढ़ी के बाद एक दूसरा पीढ़ी शुरू हो रहा है, एक नयापन आ रहा है, नया जीवन आ रहा है, इसको 40 संख्या से बताया जाता है। हमें मालूम है एक बच्चा मां के गर्भ में 40 सप्ताह रहता है,
40 सप्ताह के बाद वो एक नया दुनिया में आता है। उनका जन्म लेकर जन्म होकर के एक नई दुनिया में प्रवेश किया। इसका मतलब 40 एक नया जन्म, नया जीवन की ओर हमें पुकारता है। 40 काल के बाद इसका मतलब हमारे एक नया जीवन बनना है, नया रीति बनना है, नया जीवन शैली बनना है। तो हमें 40 काल को हमें उपयोग करना चाहिए। यदि इस समय को हम देखें, पेड़ वाला अपना पत्ता, पुराना पत्ता गिरा करके नया पत्ता खिलते हैं, नया पुराना पत्ता को फेंकना पड़ता है, नया पत्ता आएगा, फूल आएगा, फल आएगा। हमें भी इस प्रकार फलने फूलने के लिए पुराना स्वभाव, पुराने आदत, पुराना दोस्ती, इसको सब छोड़ने का एक समय कलीसिया ने दिया है। जिस प्रकार ईसा मसीह इस मरुभूमि में प्रवेश किया पवित्र आत्मा से भर करके, हमें भी ये 40 काल में प्रवेश करना है। आज से एक अच्छा पाप स्वीकार कर हम 40 काल में पवित्र आत्मा में प्रवेश करना, तब इन बुराइयों से हम दूर रह सकता है। तभी हम रोज प्रार्थना कर पाएगा, तभी हम रोज मिस्सा बलिदान में जा पाएगा, तभी हम दूसरों को क्षमा कर पाएगा। इसका मतलब ये 40 हम लोगों को पवित्र आत्मा में भर करके शुरू करना। उसके लिए कच्चा पाप स्वीकार करते हुए हम लोग इस 40 काल को शुरू करेंगे। निनिवे के लोगों ने 40 जो 40 दिन उनके सामने जो नबी योना के द्वारा बताया था, 40 दिन के बाद इस शहर को नाश किया जाएगा क्योंकि वहां पाप बढ़ गया था। निनिवे के लोगों ने वही कार्य किया। वे लोग ना खाना खाया ना पानी पिया। हम लोग तो बोलते हैं केवल एक वक्त को छोड़ो। वहां पर तो राजाज्ञा ये हुआ, ना कोई बच्चे, ना कोई बड़े, ना बूढ़े, ना पानी पिएगा, ना खाना खाएगा। 40 दिनों के लिए कोई खाना नहीं खाया, इवन जानवरों को नहीं खिलाया। इस प्रकार का एक कठोर तपस्या जब किया, ईश्वर ने अपना मन फिराव किया। जब लोगों ने मन परिवर्तन किया, पाप में जीवन को छोड़कर प्रभु की ओर मुड़ा, प्रभु ने उनके ऊपर आने जो नष्ट होना था, विनाश होना था उनका, उससे मन को हटा दिया और उन्हें आशीष देता था। उसी आशीष हम लोगों को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है इन 40 काल में। पाप में जीवन को त्याग कर प्रभु में आने का समय ये 40 काल होना चाहिए। हमें मालूम है पाप हमारे जीवन में अनेकों प्रकार का बुराइयां लेकर आएगा। कल के क्लास में उसके ऊपर और अधिक में जाएंगे। उदाहरण के लिए लेते हैं नूह के समय पर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 को पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर ने देखा कि मनुष्य बुराइयों में, पाप में पड़े हुए, उनके मन में निरंतर बुरे विचार आता है, बुरी प्रवृत्तियां रहता है। इसलिए ईश्वर ने निर्णय किया इस समस्त पृथ्वी का नाश करने के लिए। इसलिए 40 दिन रात बारिश हुआ, उसके द्वारा पापी दुनिया को प्रभु ने नष्ट किया। इसके बाद केवल एक धर्मी व्यक्ति था, नूह। नूह धर्मी था, नूह को और नूह के परिवार को ईश्वर बचाता है। इसके बाद एक नया पीढ़ी वहां से शुरू हुआ। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 28 में प्रभु ने आदि मानव को, आदम और हेवा को आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो, संसार में फैल जाओ। उन्हीं में से आदि आदम और हेवा से मानव जाति का शुरुआत अगर हुआ। यहां पर हम लोग देखते हैं नूह के जीवन में, उस समय तक मनुष्य पाप करके ईश्वर के विरुद्ध हो गया था। उस पापी दुनिया को नष्ट करने के बाद एक नया दुनिया, नया वंश प्रभु ने नूह से शुरू किया। उसको देखने के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 1 से पढ़ेंगे। जो आदम और हेवा को जो आशीर्वाद दिया था फलने फूलने का, वो आशीर्वाद अब नूह को दे रहा है,
फलने फूलने का आशीर्वाद। इसका मतलब एक नया पीढ़ी शुरू हुआ। पाप को जब त्याग करके प्रभु में हमें नया बनना है, ये एक निर्णय करना है। दूसरी बात, हम लोग देखते हैं 40 दिनों तक ईसा मसीह उपवास करते हुए जिस प्रकार पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा, आत्मिक की शक्ति में बढ़ने का समय हमें इन दिनों को बनाना है। इसका मतलब ये 40 संख्या हमें आत्मिकता में बढ़ाता है। कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए उदाहरण हम लोग मूसा नबी को ले सकता है। मूसा नबी दो बार होरेब पर्वत पर ईश्वर के उस पर्वत पर ईश्वर के साथ ना कुछ खाया ना कुछ पिया, इस प्रकार प्रभु से बातें करते हुए, प्रभु को सुनते हुए रहा था। हम लोग ये पढ़ सकते हैं निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 34 में, एक्सोडस चैप्टर 34 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं। मूसा वहां पर प्रभु के पास बैठता हुआ, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 28, मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। इसको बोलते हैं उपवास। प्रभु के साथ रहने के कारण प्रभु से बातें कर रहा था, प्रभु को सुन रहा था, खाना पीना भूल गया, इसको ही तो उपवास कहते हैं। यहां पर देखते हैं मूसा नबी इस प्रकार 40 दिन रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियमों के पटियों को अंकित किए। देखो प्रभु से बातें करते, प्रभु को सुना, नियमों को सुना। तो हम लोग उन्हीं 10 आज्ञाओं को सुनने वाले हैं इन दिनों में, पाप के विषय में, नियमों के विषय में, प्रभु में कैसे लौटना है इसके विषय में इन दिनों में हम लोग इसलिए मनन चिंतन करेंगे। वाक्य 29 में क्या लिखा है, जब मूसा नेम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनै पर्वत से उतरा तो उससे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान हुआ है। ईश्वर के साथ बैठकर उपवास प्रार्थना करने के फलस्वरूप मूसा नबी का चेहरा मुखमंडल देदीप्यमान हुआ। 40 काल हमें भी इस प्रकार पवित्र कर देगा, हमारे चेहरा खिल उठेगा आनंद शांति के कारण, क्योंकि हम 40 दिन प्रभु से प्रार्थना करने के कारण पारिवारिक प्रार्थना, मिस्सा बलिदान, अन्य प्रार्थनाओं के द्वारा हम प्रभु के साथ प्रभु से जुड़े रहने के कारण हमारे जीवन में भी इस प्रकार हमारा मुखमंडल भी देदीप्यमान हो जाएगा, जीवन बहुत ही शांति आनंदप्रद बन जाएगा। तो एक बहुत अच्छा अवसर है। मूसा नबी इस प्रकार दो बार किया है। तो ये 40 काल व्रत के इन दिनों में मूसा नबी के समान ईश्वर के साथ बैठना, रोज बाइबल को पढ़ना, बाइबल को सुनना, और मैंने बोला है हर रोज पाप के विषय में क्लास लेंगे, अपने जीवन से उन पापों को हमेशा के लिए दूर करने का निर्णय करना, अच्छा पाप स्वीकार करना, ये सब इन दिनों में हम करेंगे। वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, वचन के अनुसार जीने का निर्णय, इसके लिए हमारे मन में प्रभु के प्रति एक प्रेम की जरूरत है। एक और उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, वो है नबी एलिया के विषय में। राजाओं का पहला ग्रंथ के अंदर अध्याय 16-17 वहां से हम लोग नबी एलिया के विषय में प्रभु के प्रेम में प्रभु के लिए एक जीने वाला इतना उत्साही व्यक्ति को हम कहीं किसी और में नहीं देख सकता। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर
मैं थोड़ा जाना चाहूंगा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18, वहां पर हम लोग देखते हैं नबी एलिया का भेंट। उस समय जो इसराइल का राजा था आहाब, उन आहाब से होते हैं। आहाब के जिंदगी के विषय में हमें मालूम है, विशेषकर उनका जो पत्नी इजबेल के कारण वो पाप के जीवन जी रहा था। वो जो अन्य देवी देवताओं का, बाल देवों का और अशेर देवियों का पूजा करने वाले पूजा स्तंभ उन्होंने बनाया, और 450 जो बाल देव उनका पुजारी और अशेरा देवियों का 400 पुजारियों को ये उनका जो पत्नी इसबेल जो ये करता था। तो इसबेल के कारण राजा आहा भी पाप का जिंदगी जी रहा था, उनके साथ भेंट कर रहा है, और राजा के सामने ही इन पुजारियों के साथ एक चैलेंज। हमें मालूम है किस प्रकार सुबह से लेकर के शाम तक इन पुजारियों ने चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलिया ने बलि अर्पित किया, प्रार्थना किया, आग उतर करके उस बलि को भस्म किया था। इसके बाद वो जो बाल देवताओं के 450 पुजारियों का वध करता हुआ इजबेल जो रानी, इसके बारे में जब उनके पता चला, रानी ने बोला कल इस समय तक मैं इस नबी एलिया का वध करूंगा, नष्ट करूंगा, जिस प्रकार मेरे पुजारियों के साथ किया उसी प्रकार मैं उसके साथ करूंगा, अन्यथा हमारी देवता मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, ये सब वो कसम खाती है। इसको सुन करके नबी एलिया वहां से भागते हैं। हमें मालूम है एक स्वर्गदूत रास्ते में उसे मिलते हैं, उन्हें रोटी खिलाते हैं, उस रोटी खा करके नबी एलिया वहां से होरेब पर्वत तक 40 दिन और 40 रात चलता रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। देखो नबी एलिया भी 40 दिन का उपवास किया। इसका फल स्वरूप ईश्वर का दर्शन उन्हें मिलता है, ईश्वर के प्रति उनका उत्साह, उनका वो प्रेम वहां पर हम लोग देखते हैं। यदि राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 10 में वाक्य 14 में हम पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर स्वयं एलिया से पूछते हैं, होरेब पर्वत में आकर के गुफा में जाकर के बैठ गया तो ईश्वर पूछते हैं तुम यहां क्यों है। वाक्य 10 में ये उत्तर देते हैं, अध्याय 19 वाक्य 10, नबी एलिया उत्तर देते हैं, वे कहते हैं, उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहां हूं। देखो प्रभु के प्रति वो प्रेम जल रहा था, वही उत्साह। हमें भी ये 40 काल में प्रभु के कार्य के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए सब उत्साह दिखाना है। जिस प्रकार बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 में लिखा हुआ है, तुम पाप के लिए जितना पहले उत्साह दिखाता था उससे 10 गुना और उत्साह दिखाओ पाप को छोड़कर प्रभु के पास लौटने के लिए। प्रभु से पाप करते हुए तुम जितना उत्साह के साथ पाप कर रहा था, गलतियां कर रहा था, उससे 10 गुना और ज्यादा उत्साह दिखाओ प्रभु के पास लौटने के लिए। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर ज्यादा उत्साह प्रभु के लिए दिखाने के लिए, पहले पाप के लिए जितना उत्साह है उससे अधिक उत्साह। यहां पर हम लोग देखते हैं एलिया प्रभु के प्रेम के लिए, प्रेम के कारण वो उत्साह दिखा रहा है। इस कारण उन्हें शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गया। यही अवसर है हमें प्रभु के प्रति उत्साह दिखाने का, वो प्रेम जताने का एक समय है ये 40 काल। अगला, यदि हम लोग एल
एलिया का जीवन का उस उत्साह के द्वारा उसने चाहे आशेरा देवी का हो या बाल देवता को हो, उनके पुजारियों को नष्ट किया और उनका विनाश किया, उसी प्रकार प्रभु के प्रेम के द्वारा हमारे अंदर हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उसको नष्ट करने का प्रयत्न करना सबसे पहले। दूसरी बात, हम अपने परिवार, अपने प्रियजन, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, उनके बीच में भी इस प्रकार का जो अंधविश्वास या विश्वास का जीवन जी रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, उन्हें भी विश्वास में लाने का हमें प्रयत्न करना है। जो बुराई करने वाला है उनकी बुराइयों से उन्हें छुड़ाने का हमें प्रयत्न करना है। सत्य ईश्वर ईसा मसीह है। उस मसीह का प्रेम जिस जगह पर हम रहते हैं, सारी जनताओं में, सारे लोगों में हमें उस खुशबू को फैलाना है, इसका हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। कहीं इस प्रकार का हम लोगों ने देखा 40 का महत्व है। ईसा मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ। 40 वहां पर भी देखते बाइबल में अनेकों जगहों पर इस प्रकार 40 का महत्व है। हमें भी स्वर्ग राज्य जाने योग्य बनने के लिए ये 40 का काल पाप को छोड़कर पवित्रता में आने का हम प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें, एक निर्णय करें, जैसे हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया, पाप से दूर रहने का और एक नया व्यक्ति बनने का। 40 दिन, जिस 40 सप्ताह जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहकर जन्म लेते हैं, इन 40 काल में उपवास, प्रार्थना, परहेज, पाप स्वीकार, मिस्स बलिदान आदि के द्वारा हम भी एक नया व्यक्ति, एक नया जन्म लेने का निर्णय करें। ईसा मसीह जुड़ने के बाद 40 दिनों के बाद स्वर्ग गया, हम भी एक स्वर्ग के योग्य जीवन जीने का निर्णय करें। जिस प्रकार नूह के समय पर पाप का अंत के लिए 40 दिनों तक बरसात हुआ, जो धर्मी व्यक्ति था उसका परिवार बच गया, ये संदेश हमें देता है हमें पाप को छोड़ना है, धार्मिक जीवन जीना है। जिस प्रकार निनवे के लोगों ने पाप को छोड़ने का निर्णय किया, उपवास प्रार्थना के द्वारा उसके लिए प्रायश्चित किया, प्रभु उन पर दया किया, करुणा दिखाया, हम पर भी प्रभु दया करेगा, निर्णय कीजिए। ईसा मसीह जिस प्रकार उपवास प्रार्थना के द्वारा तीन प्रकार का हर मनुष्य के जीवन में आने वाले इन प्रेरणाओं को जीता था, सैतानी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त किया था, उसी प्रकार इन 40 काल में उपवास प्रार्थना के द्वारा विजय प्राप्त करने का निर्णय करें। मूसा नबी के समान वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन के अनुसार जीते हुए देदीप्यमान होने का समय है। एलिया के समय समान हम उत्साही बनने का निर्णय करें। हमारे सामने गोलियात के समान चैलेंज आएगा, पाप में गिरने का, पाप करने का, नशा करने का, झूठ बोलने का, झगड़ा करने का, गाली देने का सब अवसर आएगा, चैलेंज होगा हमारे सामने हमेशा, वो गोलियात रहेगा। लेकिन दाऊद के समान प्रभु का नाम लेकर उसे हमें अपने सामने गिराना है। वो हमारे पैरों पर वो आकर के गिरता, गोलियात दाऊद के पैरों पर आकर के गिरा। हमें भी इस प्रकार उन पाप के अवसरों को गिराना है, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।